स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ। अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ में हम आपको प्रबंध अंकेक्षण पढ़ा रहे थे। हमारा प्रबंध अंकेक्षण हो गया था। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध अंकेक्षण की कार्य प्रणाली। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि प्रबंध अंकेक्षण की कार्य प्रणाली में क्या क्या शामिल होता है। तो प्रबंध अंकेक्षण हेतु प्रबंध अंकेक्षण द्वारा विभिन्न तकनीकों और विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रबंध अंकेक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें और विधियाएं अपनाई जाती हैं या प्रयोग किया जाता है। यह वित्तीय लेखों का अंकेक्षण नहीं होता, ये मुख्य रूप से प्रबंधकों के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। मतलब इसमें वित्तीय लेखों का या अकाउंट्स का अंकेक्षण नहीं होता है, इसमें केवल प्रबंध संबंधित कार्य प्रणालियों का ही अंकेक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ बातें हैं जिनका अध्ययन किया जाता है, जैसे अपन लिखते हैं। पहली है संस्था के उद्देश्यों की सीमा। संस्था के उद्देश्यों की सीमा, मतलब संस्था के जो उद्देश्य हैं उनकी सीमा क्या है। दूसरा है हमारा उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया, उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि संस्था का संगठनात्मक ढांचा सही है या नहीं। संस्था का संगठनात्मक ढांचा सही है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा प्रबंध का संगठन पर कैसा नियंत्रण है। चौथा है हमारा प्रबंध पर संगठन का कैसा नियंत्रण है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, इसमें निम्नलिखित क्षेत्र की सफलता की मांग करना। निम्नलिखित क्षेत्र की सफलता की मांग। तो जो अपना इसमें जो प्रबंध अंकेक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हमारी बातें हैं, जैसे पहली अपनी संस्था के उद्देश्यों की सीमा क्या है, हमारी संस्था के उद्देश्यों की सीमा क्या है। दूसरा है उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया, मतलब जो संस्था के उद्देश्य हैं उनको किन सीमाओं तक प्राप्त किया गया। तीसरा है संस्था का संगठनात्मक ढांचा सही है या नहीं, मतलब जो उनका संगठनात्मक ढांचा चल रहा है वह सही है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा प्रबंध पर संगठन पर कैसा नियंत्रण है, मतलब जो प्रबंध होता है जो मैनेजमेंट उनका उन पर संगठन का कैसा नियंत्रण है ये। उसके बाद है निम्नलिखित क्षेत्रों की सफलता की मांग। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो है हमारे, जैसे ए बी करके अपन लिखते हैं। ए है हमारा क्रय प्रबंध की जाँच, क्रय प्रबंध की जाँच। बी है हमारा विक्रय प्रबंध की जांच। कर्मचारी प्रबंध की जांच। इसके बाद है अपना लेखा व वित्त प्रबंध की जांच। डी लेखा व वित्त प्रबंध की जांच। नेक्स्ट हमारा स्कंद प्रबंध की जांच। नेक्स्ट
से उत्पादन प्रबंध की जांच, नेक्स्ट हमारा जी वितरण प्रबंध की जांच। वितरण प्रबंध की जांच तो ये क्या है हमारे कि निम्नलिखित क्षेत्रों की सफलता की मांग की है, मतलब जो प्रबंध अंकित चढ़ा है उसने इतने सारे क्षेत्रों की सफलता की मांग की है, मतलब किराए, मतलब उनकी किराए पद्धति की जांच, मतलब किराए प्रबंध कैसा चल रहा है, कैसे उनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वो हो गया। दूसरा है विक्रय प्रबंध की जांच, मतलब सॉरी ये किराए प्रबंध मतलब खरीदना, मतलब वो कितना कैसा खरीद पा रहे हैं। विक्रय मतलब बेचना, कितना वो अपना मतलब जितने वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उतने बेच पा रहे हैं कि नहीं बेच पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्मचारी प्रबंध की जांच, जो हमारे एम्प्लॉयर हैं कर्मचारी हैं उनके मैनेजमेंट की जांच। एंड नेक्स्ट है हमारा स्कंद प्रबंध की जांच, वित्तीय लेखा प्रबंध की जांच। तो ये सारे मतलब क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों की जांच करना होता है। तो सबसे पहले अपन ये नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।